सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक कॉलेज के उस परिपत्र पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, बुरखा और नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि छात्राओं को ये चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह क्या पहने और क्या नहीं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते। मुंबई के कॉलेज में हिजाब, बुरखा और नकाब और टोपी पर पाबंदी को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या आप लड़कियों की बिंदी या तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगाएंगे। मुंबई के कॉलेज ने हिजाब, नकाब और बुरखा पर पाबंदी लगाते हुए बाद में जींस पर भी पाबंदी लगाई थी। वही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज चलाने वाली चैम्बूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक उसे जवाब तलब किया है। पीठ ने मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद के केंद्र में आए कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्राओं को ये चयन करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे क्या पहने और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। पीठ ने कहा कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। न्यायालय ने एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या छात्रों के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती। हालांकि पीठ ने कहा कि छात्राओं को कक्षा के अंदर बुरखा पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में एजुकेशनल सोसाइटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। शीर्ष अदालत परिसर के अंदर हिजाब, बुरखा और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले को बरकरार रखने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जैनब अब्दुल कयूब सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोजालवेस और वकील अहिबा जैदी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण छात्राएं कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रही है जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। संविधान के कोर्ट में अब चीजें हैं तो इसलिए इन पर कोई भी टिप्पणी करना अनुचित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक वर्ग और उनका समर्थक मीडिया कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को, कानूनी चीजों को पछड़े में डाल करके देश में सांप्रदायिक जो माहौल करना चाहता है उसका अब देश का युवा विरोध कर रहा है। देश की महिलाएं विरोध कर रही हैं। युवा अपने बेरोजगार से मुक्ति चाहता है, बेरोजगारी से मुक्ति चाहता है, अपनी नौकरी चाहता है। महिलाएं महंगाई से मुक्ति चाहती हैं और ये लोग इसको, इन सब लोगों को मंदिर और मस्जिद में अटकाए हुए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हश्र होगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट विधि सम्मत भी फैसला करेगा, सामाजिक सम्मत भी फैसला करेगा, संविधान सम्मत भी फैसला करेगा और ऐसा फैसला जरूर करेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है, जिससे किसी भी वर्ग की कोई भी जायज भावना आहत न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, वो एक अच्छा फैसला आएगा। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।